मेरा नाम आकाश भतीजा है। इन 2010 मैंने एक फिल्म की थी राजशीर प्रोडक्शंस के लिए कॉल्ड इसी लाइफ में, एंड उसके बाद 2012 में मैंने यशराज के साथ इश्क ज़्यादा की थी, उसमें मैं अर्जुन कपूर का बेस्ट फ्रेंड था। और काफ़ी 6-7 सीरियल किए हैं, जैसे वीर शिवाजी, अमिता कामत एंड गुमराह एंड लॉट ऑफ अदर सीरियल्स ऑन डिज्नी। एंड इस फिल्म में मैं प्रिंस का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। प्रिंस एक बड़ा ही अमीर बंदा है, ही इज़ द ओनर ऑफ दिस कॉल सेंटर कंपनी जिसके लिए मेरे सारे दोस्त काम करते हैं। तो मेरे बर्थडे के लिए मैं उनको गोवा लेके जाता हूँ सेलिब्रेट करने के लिए, और वहाँ पे कुछ हादसे होते हैं, कुछ मिसहैप्स होते हैं जिनकी वजह से थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल, और हम वन बाय वन वी स्टार्ट गेटिंग मिसिंग। तो फिल्म इज़ अबाउट दैट ओनली कि हम सारे 6-7 दोस्त वी स्टार्ट गेटिंग मिसिंग, और पवन सर, पवन मल्होत्रा जो अभी एक सुपर कॉप का रोल निभा रहे हैं, वो इस पूरे मिसिंग सीन को पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, इट्स अ हू डन इट, सो इट्स अ मर्डर मिस्ट्री। पूरी फिल्म हमने गोवा में शूट की है। एक गाना है बैरी कश्ती, वो तो बॉम्बे में शूट किया हमने, बट सारे गोवा के रियल लोकेशंस, रियल बीचेस, पूरे जो पुलिस स्टेशन और जेल के सीक्वेंसेस है वो सारे रियल लोकेशन में शूट किए हमने। और इन लोकेशन से शूट करना काफ़ी मुश्किल रहा था, बिकॉज टू कंट्रोल द क्राउड, क्राउड कंट्रोल वॉज वेरी डिफिकल्ट, और कभी तो वेदर भी हमारे हाथ में नहीं होता है। कभी बारिश पड़ती है, कभी ज़्यादा धूप हो जाती है, कभी हाई टाइड है, कभी लो टाइड है। तो उस हिसाब से जिस हालात में हमने शूट किया वॉज रियली कमेंडेबल। तो ऑल्दो गोवा में शूट करने का मज़ा ही कुछ और है। तो गोवा का नाम सुन के ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग हमें जो स्ट्राइक होता है वो है मज़ा करना। ऑल्दो हम पूरा दिन तो हम शूट ही करते थे, फिर रात को हम जाके ऑल्दो पार्टी नहीं करते थे, हम ज़्यादातर रिहर्सल्स ही करते थे अगले दिन के शूट के लिए। पर जो जिस भी दिन हमें ऑफ मिलता था हम तो जाते थे, और गोवा के बेस्ट शैक्स और बेस्ट रेस्टोरेंट्स में जाके अच्छे से खाना खाते थे। स्विमिंग किया हमने, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जाके समंदर में जाके स्विम करते थे, बहुत स्कूटर पे घूमते थे पूरा गोवा। तो बेसिकली जो आप गोवा में करते हैं हम वही करते थे। और शूट के दौरान ही हमें इतना ज़्यादा मज़ा आया, ऐसा लगा नहीं कि हम शूट कर रहे हैं, हमें काम करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा था कि हम ठीक है चलो पिकनिक पे गए और हम साथ में एक्टिंग कर रहे हैं।